आयुर्वेदिक उपचार में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल में हर प्रकार के रोग का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं और नुस्खों द्वारा बताया जाता है, जो कि वैद्य और हकीमों द्वारा बताए गए तरीकों पर आधारित होता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे ऐसे रोग के बारे में जिसका नाम है साइटिका। इस रोग से पीड़ित लोग दर्द से काफी परेशान रहते हैं और बेचैनी में रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसमें कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। ऐसा दर्द जो नितंबों से निकलकर टखनों तक जाने वाले स्नायु साइटिका नर्वस में दर्द होने से उत्पन्न होता है, इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। यह दर्द तेज भी हो सकता है, हल्का भी। इसका प्रमुख कारण ठंड लगना, चोट, गठिया, वायु, उपदंश, नाड़ी यानी साइटिका नस पर लगातार दबाव पड़ना, अधिक चलना आदि कारणों से यह होता है। यदि रोग लंबे समय तक चलता रहा तो पैर और जांघ की मांसपेशियां सूख जाती है। इसके चिकित्सा की अगर बात करें तो मुख्य कारण को दूर करें, दर्द के स्थान को गर्मी पहुंचाएं, हीट पैड लगाएं, हर संभव रोगी का पेट साफ रखें, कब्ज न होने दें, गर्म कमरे में पैर पर जैतून के तेल की मालिश कराकर कमर को दबाव दें, दर्द वाली जगह पर महानारायण तेल की हल्के हल्के धीरे धीरे खूब मालिश कराएं। अब जानते हैं इस बीमारी को दूर करने की आयुर्वेदिक दवा के बारे में। पहली दवा डाबर कंपनी की रूमेटेक्स सिरप। सेवन विधि, 10 मिलीलीटर दवा 10 मिलीलीटर पानी में मिलाकर दिन में 3 बार भोजन के बाद। दूसरी दवा झंडू कंपनी की विसतिंदुक्वटी। इसकी 2 गोली सुबह शाम दूध के साथ भोजन करने के बाद लें। तीसरी दवा हिमालया कंपनी की रूमले है, जिसकी 2 गोली दिन में 3 बार भोजन के बाद लें। दवा सेवन करने के दिनों में ठंडी चीजों जैसे दही, कोल्ड ड्रिंक एवं फ्रिज का पानी न पिएं। खट्टे चीजों का सेवन न करें। इसमें जितनी भी जानकारी आपको दी गई है उसे आपको कुछ लंबे समय तक करना होगा, क्योंकि यह रोग बहुत ही जटिल होता है, तथा थोड़ा धीरज से काम लें। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सुखी और निरोग रहें।